हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्पर्धा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द इनसाइड वंडर में। हम सभी जानते हैं कि भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक पितृ पक्ष मनाया जाता है। इन 15 दिनों में हमें अपने पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान करना होता है। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। सभी के लिए ये कर्तव्य अनिवार्य हैं। जिनके भी माता पिता या फिर उससे अन्य पीढ़ी, जो आगे की पीढ़ी है, वो अगर नहीं है इस दुनिया में जीवित, तो उसके घर के बड़े पुत्र को यह करना अनिवार्य होता है। इन दिनों हमें कुछ सामान हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए इन्हीं सामानों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पितृपक्ष में हमें खास करके सरसों तेल, झाड़ू और नमक नया नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही हमें खुद के लिए नए कपड़े, नए जूते या चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपने जूते, चप्पल या कपड़े नए खरीद लिए हैं तो उनका धारण ना करें। सुहागिन महिलाएं नए सुहाग के सामान को ना खरीदें, साथ ही नई चूड़ियां ना पहनें और नई बिछिया का धारण भी ना करें। नहाते वक्त हमें सरसों का तेल या फिर उबटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को पितृपक्ष में बार बार बालों को नहीं धोना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो 2 बजे के बाद वे बाल धो सकती हैं। हालांकि व्रत त्योहारों में इस नियम को करना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही कोई विशेष पूजा पाठ या हवन या फिर जप भी ना करें। नए सामान आप जो भी लेते हैं, इनमें भूतों का वास माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ना खरीदें। नए व्यापार की शुरुआत ना करें। और हाँ, मांगलिक कार्यक्रम, जो कि वैसे भी नहीं किए जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे लड़के लड़का की देखा देखी, ये सारी भी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो पितृपक्ष के नियमों को अगर हम मानते हैं तो हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारा वंश आगे फलता फूलता है। आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें ताकि आपको भी ये आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वैसे यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा।